दिल्ली यूनिवर्सिटी सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम बहुत करीब आ चुके हैं। बिल्कुल एक आध दिन में आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, नया एडमिट कार्ड आ चुका है। आप लोगों को वो नया एडमिट कार्ड अपने पोर्टल पर जाकर डाउनलोड करना है। आज हम नए एडमिट कार्ड के बारे में बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और फिर उनका रिजल्ट आ जाता है खराब और वो हो जाते हैं परेशान। जी मैंने तो पेपर ठीक दिया था, मैंने तो ये किया था, मैंने तो वो किया था, फिर मेरा रिजल्ट एबसेंट क्यों आ गया, मैं फेल कैसे हो गया। तो आज का वीडियो ना आपको पूरा देखना है, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, इसलिए कोई भी चीज बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। एडमिट कार्ड से रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको पूरी की पूरी समझाऊंगा। बिकॉज ये बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे कि वो इंस्ट्रक्शंस को ढंग से समझते नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम का सामना फिर बाद में करना पड़ता है जब उनका रिजल्ट आता है। सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है, स्टूडेंट पोर्टल पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, नया वाला, क्योंकि नया एडमिट कार्ड अब आ चुका है। बिकॉज कुछ एग्जाम्स कैंसिल कर दिए गए थे और उनकी डेट अब नई दोबारा से चेंज होकर आ गई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चलिए डिस्कस करने से पहले ना आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, और बेल का नोटिफिकेशन जरूर जरूर प्रेस कर दीजिएगा। देखो यार, ये नया एडमिट कार्ड है बीकॉम प्रोग्राम का। इसमें ये जो आप यहाँ पर डेट देख पा रहे हैं, ये नई डेट से सारी की सारी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कंपनी लॉ का पेपर है, ये 2 अगस्त को हो गया है, ठीक है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पेपर की बात करूं, वो 26 जुलाई को हो गया है। तो इस तरीके से जो नए चेंजेस हुए थे पेपर के अंदर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेज का पेपर आपका 21 तारीख को है, ठीक है। तो जो बदलाव होने थे वो हो चुके हैं और नया एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना है। पुराने एडमिट कार्ड के बेसिस पर अपना एग्जाम देने मत चले जाना, फंस जाओगे नहीं तो वहां जाकर, ठीक है। दूसरी चीज, जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे, सबसे पहले आपने कुछ चीजें चेक करनी है। आपका सोल का रोल नंबर देखिए, यहाँ पर ये आपका सोल का रोल नंबर है, ये करेक्ट है। यहाँ पर आपको अपना एग्जाम का रोल नंबर मिलेगा, आपकी फोटो आपको यहाँ दिखाई देगी, आपका कोर्स का नाम, आपका एड्रेस, और आपका फाइनली यहाँ मिलेगा आपको अपना एग्जाम सेंटर। इसमें किसी भी चीज में अगर कोई मिस्टेक है ना, तो आपको सोल कर मेल करना है या आपको वहां पर ऑफिस में जाकर विजिट करना पड़ेगा, ताकि आप अपना एडमिट कार्ड करेक्ट करवा सके। बिकॉज इनकरेक्ट एडमिट कार्ड में अगर आप लेकर चले गए अपने एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपको कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। दूसरी बात, आपने एडमिट कार्ड पे अपना एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह सब चेक कर लिया, अब अपने सब्जेक्ट को चेक करिए। क्या वो सब्जेक्ट, जैसे मैंने कल भी बताया था, एईसी के सब्जेक्ट में कुछ चेंजेस आए हैं, वो करेक्ट कर दिए गए हैं, या किसी और भी सब्जेक्ट में जो आपका पहले गलत आ रहा था, क्या वो अब सही शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो आपको अपने एडमिट कार्ड में चेक करना है। आपको अपने एडमिट कार्ड के हिसाब से ही एग्जाम देने जाना है। अब ये बात मैंने क्यों बोली, क्योंकि कुछ बच्चे पूछ रहे हैं जी हमारे क्या एग्जाम का टाइम वही रहेगा जो पुराना वाला है। देखिए ये जो एडमिट कार्ड है, इसमें सारे पेपर का टाइम है 2:30 का, यानी कि 2:30 बजे का ये पेपर है। तो आपके एडमिट कार्ड पे जो टाइम मेंशन है ना, जो डेट मेंशन है ना, जो सब्जेक्ट मेंशन है, आपको उन्हीं का पेपर देने जाना है और उस डेट पर और उस टाइम पर ही आपको एग्जाम देने जाना है। मॉर्निंग इवनिंग जो भी आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन है ना भाई, वो आपको आप देने जाना पड़ेगा। तो एडमिट कार्ड को आपको फॉलो करना है, ठीक है। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया, आपको एडमिट कार्ड समझ में आ गया। अब एडमिट कार्ड में ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको बच्चे नहीं पढ़ते हैं और बाद में फिर रोते हैं बैठ के, जी हमने तो ये गलती कर दी। इसीलिए बता रहा हूं ये इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से आपको सुनने की सख्त जरूरत है। एडमिट कार्ड पे आपको चेक करना है, देखिए यहाँ पर सिग्नेचर भी होने चाहिए आपके पास, ये सिग्नेचर है प्रिंसिपल के, इस टाइप से डीन ऑफ एग्जामिनेशन के सिग्नेचर है। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस, सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस वही है जो मैंने आपको अभी भी समझाई है। वेरीफाई द डेट टाइम वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन फ्रॉम द एडमिट कार्ड एंड डेट शीट पब्लिश्ड बाय एग्जामिनेशन ब्रांच। तो एडमिट कार्ड की डिटेल और आपकी जो डेट शीट में डिटेल है उसको पहले मैच कर लीजिए, कोई गड़बड़ तो नहीं है, गड़बड़ हो तो आपको उसको करेक्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। अपने एडमिट कार्ड में कोई मिस्टेक है, जैसे मैं अभी आपको ऊपर बता रहा था, मैंने कहा था आपके आपके नाम में, आपके फादर के नाम में, या आपके एड्रेस में, या आपके कोर्स में, या आपके सब्जेक्ट में, रोल नंबर में कुछ भी मिस्टेक है, तो आपको वो करेक्ट करवाना जरूरी है। वो करेक्ट करवाएंगे तभी आपका काम बनेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एडमिट कार्ड के साथ ना आपको अपना कोई आईडी प्रूफ लेकर जाना है, जैसे आपका पैन कार्ड हो सकता है, आपका आधार हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, आपका वोटर कार्ड हो सकता है, कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ आपको जरूर अपने एडमिट कार्ड के साथ लेकर जाना है। कई बार ऐसा हुआ है बच्चा सिर्फ एडमिट कार्ड लेकर चला गया, जी मेरा तो एग्जाम इससे हो जाएगा, नहीं भाई, एडमिट कार्ड विद योर आईडी प्रूफ मस्ट है, आपको अपने साथ लेकर जाना है। पांचवी चीज, एडमिट कार्ड के बारे में बता चुका हूं कि एडमिट कार्ड का जो भी कंटेंट है ना, वो बहुत ध्यान से आपको पढ़ना और समझना है। कोई मिस्टेक हो तो इमीडिएटली आपको अपने नोटिस पर और एसवल को ये चीज इन्फॉर्म करनी है। छठी चीज, अपने साथ क्या लेकर जा सकते हैं, भैया अपने साथ आपको ना खुद को लेकर जाना है सिर्फ। मेरी बात का मतलब है
किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ट्रांजिस्टर, मोबाइल फोन, वायरलेस है, ब्लूटूथ डिवाइस अलाउड नहीं है। आप अगर मोबाइल फोन ले भी गए ना तो आपके एग्जामिनेशन हॉल के बाहर रखवा दिया जाएगा, जिसकी खोने की जिम्मेवारी भी कोई नहीं लेगा। तो आपकी मर्जी है क्या करना है आपको, ठीक है। सातवीं इंस्ट्रक्शन देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स आर एडवाइज नॉट टू गेट एडमिशन टिकट लेमिनेटेड। लेमिनेट करवाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। कोई भी डिस्क्रिपेंसी या कोई भी प्रॉब्लम है एडमिट कार्ड में, कॉन्टैक्ट असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम सोल, ठीक है। वहां जाकर आपको कॉन्टैक्ट करना है, वहां जाकर आप मेल, वहां पर आप मेल कर सकते हैं या आपको पर्सनली वहां जाना होगा अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर। एक और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, एग्जामिनेशन हॉल का सपोज आपका टाइम है 2:30 बजे का एग्जाम का, तो भैया 3 बजे के बाद ना एंट्री नहीं मिलेगी आपको। आपका पेपर अगर सुबह 9:30 बजे का है ना, तो 10 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इसीलिए इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप टाइम से अपने घर से निकले, ताकि आप टाइम से अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाएं। नहीं तो आपको एंट्री अगर नहीं मिली ना, तो भाई वो पेपर तो गया आपका, आपकी लगेगी एब्सेंट, आप माने जाएंगे फेल उस पेपर के अंदर, ठीक है। तो पंगा हो जाएगा आपके लिए, इसलिए कृपया करके टाइम से निकलें। और आपके एग्जाम टाइम से 30 मिनट आगे तक आपको अलाउड है सिर्फ एंट्री, उसके बाद बाय बाय हो जाएगा, ठीक है। 30 मिनट पहले तक आपको एग्जामिनेशन हॉल छोड़ना अलाउड नहीं है, यानी कि परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट के अंतराल तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की, आपको आपको पेपर आप देखने बैठ गए, अब आपको समझ में नहीं आ रहा भाई इसमें क्या लिखूं, तो आधे घंटे बाद कम से कम आपको छोड़ने की अनुमति दी जाएगी, भैया जाओ घर मौज लो, ठीक है। तो बस ऐसा होगा नहीं यार, आप लोग सब पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो आप प्रॉपर पढ़ाई करेंगे और प्रॉपर अपना पूरा एग्जाम में बैठेंगे। उसके बाद बोलता है जी, प्लीज एंश्योर एडमिट कार्ड कंटेन्स कंप्लीट एड्रेस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर वेन्यू। एग्जामिनेशन सेंटर चेक करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जामिनेशन सेंटर तक कैसे आप पहुंचेंगे, मैं उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने पूरी दिल्ली के मेट्रो रूट आपको समझाए हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं उनके, कौन सी मेट्रो कहां से पकड़नी है, कौन सा येलो लाइन है, ब्लू लाइन है, वो सब का वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, ठीक है। मेरी वहां दिल्ली यूनिवर्सिटी वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां आपको वो पूरी लिस्ट मिल जाएगी, कैसे आपको अपने कॉलेज तक पहुंचना है, ठीक है। और एग्जामिनेशन के दौरान आपका आपका क्या बोलते हैं इसको, फिजिकल सर्च, मतलब कि आपकी चेकिंग हो सकती है भाई, सिंपल भाषा में आपकी चेकिंग हो सकती है। तो प्लीज कोई भी चिट विट पर्ची वर्ची ले जाने का जुगाड़ करने की कोशिश मत करना, पकड़े गए ना बहुत दिक्कत आने वाली है आपको, ठीक है। और साथ में इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया, जो एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड किया है ना, वही वैलिड होगा एग्जाम के लिए, उसी एडमिट कार्ड के थ्रू आपको अपना पेपर देने जाना है, और अपना आईडी प्रूफ वगैरह ये सब आप कैरी जरूर कर लें जब आप एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको अभी जो चीजें बताई ना, वो आपको बहुत ध्यान रखनी है एग्जामिनेशन जब आप लिखेंगे अपना पेपर, तो बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे तरीके से उसको करिएगा, रीचेक कर लेना अपने आंसर्स को लिखने के बाद। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और है, अपना आंसर शीट ना, सॉरी अटेंडेंस शीट जरूर जरूर साइन करके आइएगा, उसमें बिल्कुल भी गलती आपको नहीं करनी है। अटेंडेंस शीट अगर आपने साइन नहीं करी ना, तो भैया अगर आपकी एब्सेंट आ गई ना एग्जामिनेशन जब आपका रिजल्ट आएगा, तो फिर आप फंस जाओगे, आपके पास प्रूफ नहीं है कि आपने एग्जाम दिया था, ठीक है। तो एज पर एडमिट कार्ड आपको सारी चीजें समझनी है, अपना डेट ऑफ एग्जाम, अपना टाइम ऑफ एग्जाम, अपना एग्जामिनेशन सेंटर बहुत अच्छे से स्टडी करिए, अपना एडमिट कार्ड बार बार दोबारा डाउनलोड कर लीजिए अगर पुराना है आपके पास, एंड अकॉर्डिंगली अपना एग्जाम देने जाइए। और आपके एग्जाम बहुत फाड़ू होने वाले हैं, यानी कि बहुत जबरदस्त तरीके से बहुत अच्छे करने वाले हैं आप लोग, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, फोड़ कर आना इस बार अपने एग्जाम्स के अंदर, और बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा आप सभी का सेकेंड सेमेस्टर का भी। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ मैंने आपको सारी के सारे वीडियोस दे दिए हैं जिनके पास भी ये सब सब्जेक्ट है, उसके अलावा लाइव क्लासेस भी दे देते हैं हम, काफी सब्जेक्ट्स की चाहे तो आप हमारे साथ वो लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना आपके एडमिट कार्ड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल वीडियो छोड़ने से पहले, और बेल का नोटिफिकेशन मुझे बताया प्रेस कर देंगे। विजय गुप्ता साइनिंग ऑफ।